मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूँ LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाहर, जहाँ पर आए दिन आपने हमेशा यही देखा है कि यहाँ पे ऑटो टैक्सी वाले जो कुछ लोग हैं वो पैसेंजर को लूटा करते हैं और लूट के यहाँ से भाग जाते हैं और बहुत बार उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस बार एक पैसेंजर मेरे साथ खड़े जिनको यहाँ पर मार के 700 रुपये लिया गया है, या उसको डराया भी गया, धमकाया भी गया, और यही वो टैक्सी है जो हमारे सामने खड़ा है। जो टैक्सी यहाँ खड़ी और पैसेंजर भी हमारे साथ खड़े, लेकिन टैक्सी ड्राइवर यहाँ से फरार हो चुका है और वो पैसेंजर हमारे साथ खड़े, क्या हुआ उनके साथ, आइए उनसे पूछते हैं। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद चांद है, एक्चुअली केरल। क्या हुआ था मोहम्मद भाई, और कब हुआ था, किसने किया? अभी जस्ट हुआ, अभी जस्ट ये एक घंटे के अंदर में सब चीज हुआ। अभी जस्ट मैं अकेला था, मैं ये एक नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरा, ठीक है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मैं दोस्त से बात कर रहा था कि मतलब भाई तू कब आ रहा, कितने देर में आ रहा। तो बोला भाई मैं आ रहा, तू वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है, मैं बोला मैं वहाँ पे बैठने के लिए जा रहा था। वो दो तीन बंदे मिले मेरे को, बोला भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। मैं बोला कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो मेरा बैग ले लिए, बोले कि भाई चल चल चल, मैं छोड़ देता हूँ छोड़ देता हूँ छोड़ देता हूँ बोल के। मैं बोला कि लाइक मेरे को जाना नहीं है कहीं, मेरा दोस्त आ रहा है, मैं उसके साथ चला जाऊँगा, मैं एक्चुअली यहाँ पे नहीं हूँ। तो बोला नहीं नहीं भाई, मैं छोड़ दूंगा तेरे को, जो भी जहाँ जाना, बिहार जाना, किधर भी जाना है, मैं तेरे को वहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने नहीं भाई, मेरा भाई आ रहा है, मैं चला जाऊँगा उसके साथ, तू मेरे से जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। यह मेरे को गुस्सा भी बहुत उठा कि भाई ऐसा भी बंदा होता है कि मेरे को जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को वो जबरदस्ती, वो मेरा बैग लेके, जैसे कि होता नहीं, बैग लेके वो चला गया आगे। तो मैं अपना बैग लेके चला गया, तो मैं बैग के पीछे पीछे मैं गया उसके साथ, ठीक है। तो उसकी गाड़ी वहां पे लगी हुई थी बैग के पीछे। गाड़ी थी ये, गाड़ी थी ये, गाड़ी थी बरोबर, यही गाड़ी, बड़ा बढ़िया गाड़ी थी। आगे से इसका कांच भी फूटा हुआ है, ठीक है ठीक है। आगे से इसका मैं सब चीज देखा हूँ, आगे से इसका कांच भी फूटा हुआ, ठीक है। तो मतलब मेरे को जबरदस्ती लेके आया, मेरा बैग लेके चला गया आगे आगे। तो मैं उसको पीछे पीछे गया बोल के बैग लूंगा बोल के, उधर आ जाके बैठूंगा। तो बोला नहीं नहीं भाई, तू गाड़ी में बैठ, मैं तो छोड़ दूंगा। बोला नहीं भाई, मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना। फिर उन्होंने क्या किया कि वो गाड़ी का डिग्गी खोला, फट से बैग को अंडर दे, बोला भाई तू बैठ बैठ, मेरे को धक्का मार रहा, भाई तू बैठ जा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। छोड़ना, मैं तब भी बैठ गया, मतलब मेरे को मन नहीं था, तब भी जबरदस्ती। बैठने के बाद क्या हुआ आपके साथ? बैठने के बाद फिर अंदर गया, फिर मेरे को गाड़ी लेके इधर से मतलब जा रहे थे, वो हॉस्पिटल नहीं अभी, तो वहाँ पे जाने के बाद सीट है ना आगे वाला, वो आगे मतलब मेरा पूरा सट में कर दिया, ठीक है। सट में करने के बाद मेरे को बोला भाई आप सुन, तेरे को जहाँ भी जाना है तू पहले बात सुन ले कि तेरे साथ क्या हो सकता है। मैं बोला क्या हो सकता है भाई, मैं एक्चुअली नहीं हूँ, तू ये क्या गलत कर रहे हो। तो मतलब डराने की कोशिश कर रहा था? मेरे को डराने की, और काफ़ी मतलब कह रहे थे कि तेरा फ़ोन तोड़ देंगे, किसी से फ़ोन पे बात, मेरे दोस्त इसका भी कॉल आ रहा था बार बार कि भाई कहाँ मैं आ रहे हैं वाला। तो बोला भाई फ़ोन पे बात बिल्कुल भी मत करने, तो तेरा फ़ोन तोड़ देंगे, देख अभी तू मेरे को जानता नहीं है, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। बोला भाई तुम कोई भी हो, मेरा पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा। तो उनने भी नहीं समझे कि बंदा किस मोमेंट में। इतना पैसा लिया आपसे? मेरे से डरा धमका के, और मेरे से मतलब बोला कि भाई गाड़ी का गेट ही नहीं खोल रहा था बिल्कुल भी। मतलब भाई गाड़ी का गेट खोले, मैं तो आपको पैसे देता हूँ। कह रहा ऑनलाइन देना, ऐसे देना। मैंने कहा भाई ऑनलाइन कर देता हूँ। तो बोला ऑनलाइन नहीं, मेरे को कैश चाहिए, ठीक है। मतलब कैश नहीं, तो कह रहा चेक करूँ मैं एक बार। तो मैं बोला भाई चेक क्या करें, मैं दे देता हूँ। कह रहा गेट खोल मैं गाड़ी का, तो गेट नहीं खोला गाड़ी का, ठीक है। कह रहा पहले पैसे दो। मैंने कहा भाई पैसे मैं तेको दे दूँ, तो गेट तो खोल, तब भी वो नहीं खोला। मैं फिर मतलब उसको फिर पैसे दिए, तो फटाफट गेट खोला। रुकना हो गया भोंसड़ी में, गाली वाली भी थे, मैं बैड लैंग्वेज यूज कर रहा था। वो गाली वाली देने लगा आपको, मारने की धमकी भी दिया, गाली भी दे रहा, फोन भी ले रहा है, फोन तोड़ने की। पैसे कितने लिए? पैसे मेरे से 700 रुपीज ले लिए, और मैं कहते कि 2000 रुपये लूंगा ये वो। मतलब मैं तो अच्छा हुआ जो गाड़ी रुकवा लिया वहाँ पे, नहीं तो मेरे से और भी पैसे ले लेते, क्या पता मेरे पूरे पैसे ले लेते। मैं किस इमरजेंसी में जा रहा था, मेरे पूरे पैसे ले लेते, शायद जेब चेक करने नहीं दिया इसके लिए, ताकि मेरा और भी थोड़ा पैसे था, तो मतलब इसके लिए मैं जेब चेक करने नहीं दिया उसको, ठीक है। अगर जेब करने चेक करने देता तो शायद मेरे से और भी पैसे पूरे ही ले लेते पैसे मेरे से। वहाँ से आप भाग गए? हाँ, तो फिर वहाँ से मैं जल्दी बोला तू जा निकल। तो फिर वहाँ से मैं फट से हॉस्पिटल, नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल, फट से वहाँ आगे चला गया, ठीक है। और मतलब वो तो खुद तो ऐसे लग रहे थे कि मतलब उसका होलिया तो लग रहा था बिल्कुल छपड़ी जैसा, चोर छोटा जैसा। तो मेरे को कह रहा भाई तू लड़की छिड़के आया, यही छिड़के, मतलब ऐसा होता ना कि खुद को मतलब बदनाम करना चाह रहे थे मेरे को। मतलब ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। अभी कानून से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि ये अक्सर यहाँ पे होता है, तो यहाँ की तिलक नगर पुलिस और रेलवे पुलिस से क्या मांग करोगे आप? जी मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि देखिए मैं एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट बार ही आया हूँ, एक्चुअली मैं न्यू बंदा हूँ, ठीक है। और मेरे पापा इंस्पायर कर, इसलिए मैं अर्जेंट में आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इनने मेरे साथ इस तरीके का जो काम किया था, इसके मेरे को बहुत ज़्यादा ही दुख है, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे दोस्त लोग आ नहीं रहे थे, थोड़ा उसका टाइम ट्रैफिक था। तो मेरे इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है कि मतलब मैं ऐसे जगह पे आऊँ, मेरे पास सेफ नहीं है, मतलब धमका ऐसे करके, मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डर भी लगा कि भाई ये कैसे बंदे हैं, मेरे पापा के साथ आज हो गया। मैं मतलब इसके लिए कानून से क्या मांग करने चाहिए ये बताइए आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस तरीके के लोग को कार्रवाई किया जाए, इसकी गाड़ी के अंदर किया जाए, इसको जेल किया जाए, इसको सजा दिया जाए, ताकि लोग को समझ में आए कि यार ये चीज़ बहुत गलत है जो चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कानून से ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को इसकी गाड़ी, पहली चीज़ तो गाड़ी अंदर करी जाए,
और उसको जाके उसको अंदर किया जाए, उसको कम से कम तो सजा होनी चाहिए जब इन लोग को समझ में आएगा कि हाँ भाई। बात करने के लिए ये था, ये इनका ये कहना था, इनके पापा एक्सपायर कर गए इसलिए वो गांव जा रहे थे, लेकिन यहाँ गांव जाने से पहले इनको लूटा गया। हर वक्त हम देखे सूत्रों की जानकारी के अनुसार आपको बता दिया, टर्मिनस पे से बहुत से कांड होते, लेकिन तिलक नगर पुलिस स्टेशन से वो किस तरह बच जाते, कैसे बच जाते, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। लेकिन इस बार हमारे पास कंप्लेंटर भी है, इस बार हमारे पास गाड़ी भी है, इस बार हम खुद यहाँ खड़े। अब देखना यह है कि तिलक नगर पुलिस और रेलवे पुलिस इस गाड़ी और उस गाड़ी के ड्राइवर पर क्या कार्रवाई करती है, या उस पर कार्रवाई होती भी है, या उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आरिफ अजीत, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।